नमस्कार, मैं हूं टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। जब भी सरकार बदलती है तो पुरानी योजनाओं की अदला बदली भी शुरू हो जाती है। जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी द्वारा चलाई गई योजनाओं को बंद करती है, उसी तरह बीजेपी ने भी कांग्रेस की चलाई गई एक योजना को बंद कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना 31 दिसंबर तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश बीते दिवस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किए हैं। पूर्व में जब गहलोत की सरकार थी तब गहलोत ने भामाशाह योजना बंद कर दी थी। यह योजना वसुंधरा राजे ने बनाई थी। साल 2008 में राज्य आधार कार्ड की तर्ज पर भामाशाह कार्ड की योजना लेकर आई थी, जिसमें लाभार्थियों के कार्ड बनाकर उन्हें सभी योजनाओं का लाभ देना था। इसमें हर महिला का बैंक खाता खुलवाकर उसमें कुछ पैसे सरकार को डलाने थे, लेकिन 2009 में गहलोत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। इस प्रकार वसुंधरा ने भी राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया था। बता दें कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि राज्य में वे योजनाएं बंद नहीं होगी जिन्हें पिछले कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी, बल्कि उन्हें और असरदार बनाया जाएगा। लेकिन शाम होते ही सीएम ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना बंद कर दी। इस योजना के बाद बंद होने से राज्य के युवाओं को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये योजना ये भी जान ले, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना में युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में 6 महीने से 2 साल तक की इंटर्नशिप करवाई जाती थी। इंटर्नशिप में युवाओं को 10,000 महीने रुपए दिए जाते थे। यह योजना साल 2021-22 से शुरू की गई थी, जो बीती रात को बंद कर दी गई। इस मामले में पूर्व अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि राजीव गांधी नाम से अगर परेशानी थी तो इसकी जगह अटल बिहारी वाजपेयी कर देते। योजना बंद करने से सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे युवाओं की सेवाएं समाप्त हो जाएगी और इस योजना को बंद करना सही नहीं है। ये युवा सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक है और सरकार की काफी मदद कर रहे हैं। वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने नए साल में से पहले युवाओं को राजीव गांधी युवा मित्रों का इंटर्नशिप योजना समाप्त कर बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है। कोई योजना बंद नहीं होने वाली है, उनको और ज्यादा मजबूत और सशक्त किया जाएगा। आपने तत्काल आते ही 5,000 नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा, परिवार का बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, इस बात के बारे में आपको तनिक भी चिंता नहीं हुई। आपके पास दिल्ली से फरमान आया कि राजीव गांधी के नाम से जो भी कोई योजना है उसको तत्काल बंद कर दिया जाए। आप नाम चेंज कर सकते थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रख देते और कोई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रख देते या आपको जो अच्छा लग रहा था वो नाम रख देते। लेकिन इन नौजवानों के साथ में आपने ये नई साल के आते आते क्रूर मजाक क्यों किया, क्यों आपने उनके ऊपर ये कैंची चलाई, समझ से परे। हमारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। ये जो विद्यार्थी मित्र थे बीजेपी में लगे थे, हमने इनको फिर आगे बढ़ाया था। तो आप ऐसा देख रहे हैं जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।